हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू आवर हाउस। एंड आपको ये देखकर लग ही रहा होगा किसी का तो बर्थडे है आज। बर्थडे वाली डेकोरेशन हो रखी है घर में और मॉर्निंग का समय है, और इसलिए क्योंकि हमने लंच पर ही सबको बुलाया था बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, तो इसलिए सुबह सुबह का वक्त है और घर पे डेकोरेशन हो रही है। एंड नंबर 5 देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि अनन्या का, मेरी जो बेटी है, उसका 5th बर्थडे है आज, और वो बहुत ही एक्साइटेड थी। और अभी सुबह सुबह का वक्त है इसलिए सब उठे ही थे बच्चे, और छुट्टी वाला दिन भी था इसलिए सब लेट ही उठते हैं। तो मैंने सारी तो कुछ तैयारी डेकोरेशन की रात में ही कर ली थी, और सुबह सुबह हमारे एक फ्रेंड जल्दी भी आ गए थे तो उन्होंने सारा डेकोर वगैरह करा दिया था, और ये हमारी बर्थडे गर्ल रेडी हो गई है, और उसका बर्थडे केक भी आ गया था। सो उन्होंने उस परी ने सिलेक्ट कर ही, अनन्या का नाम घर का परी भी है, तो उसने सिलेक्ट करके ये जो मर्मेड केक है वो बनवाया था, और सारे फ्रेंड्स भी हमारे आ गए थे। तो हमने इवनिंग का जो लंच का टाइम चुना था कि उस समय आराम से सब सेलिब्रेट करेंगे और खा पी लेंगे, और कुछ थोड़े से जो फ्रेंड्स वगैरह को बुला लो ना तो बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसके दादी दादी का भी फोन आया तो घर में मिलकर फिर हमने सब और दोस्तों ज़्यादा लोगों को हमने नहीं बुलाया था, एक फैमिली को बुलाया था, अनिका के फ्रेंड को बुलाया था, और एक दो और फ्रेंड्स को बुलाया था। और अनन्या का जो बर्थडे का केक कटिंग था वो हो गया था, फिर सभी ने उसको बारी बारी केक खिलाया था, एंड फिर हमने सब ने मिलकर खाना खाया। तो छोटा सा फैमिली सा फंक्शन था। उसके बाद ये दोनों दूसरे दिन की क्लिप है दोस्तों, इसमें जो मेरा छोटा बेटा है विवान, वो आजकल पकड़ पकड़ कर थोड़े चलने की प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसका मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया था कैसे वो प्ले करता है और क्या करता है। एंड दोस्तों बच्चों की ये छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, उनको कैप्चर कर कर ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि बड़े होकर जब हम देखते हैं और उन्हें दिखाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। एंड फ्रेंड्स अब हो चला है नेक्स्ट डे, और हम आज जाने वाले हैं यहाँ पर वेंकटेश बालाजी का टेंपल है, वहाँ पर आज हम जाएंगे एंड थोड़ा सा जो भगवान का आशीर्वाद है वो लेंगे। और यहाँ पर कभी कभी जाना बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत खुशी मिलती है, मौसम भी काफ़ी अच्छा था आज का दिन का, धूप खिली हुई थी। एंड यहाँ पर आप जाएं, थोड़ी देर मंदिर में बैठें और थोड़ी आउटिंग भी हो जाती है, और यहाँ का फिर प्रसाद लेकर आए, जो तिरुपति का लड्डू मिलता है ना वैसा ही लड्डू यहाँ पर भी मिलता है, और फिर बाद में यहाँ पर एक जो सबको प्रसाद खिलाते हैं उसमें राइस हलवा ये सब भी मिलता है। एंड वहीं पर हमने फ़ोटो वगैरह खिंचाई, और मंदिर को मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी तो ठंड थी तो विमान को हमने अच्छे से पैक करा हुआ था। एंड ये देखिए मैंने दोनों बच्चों की फ़ोटोज़ खींची, और वहाँ पर बच्चों का प्ले एरिया भी है, तो अनन्या उसको विमान को झूला झूला रही थी, और ये फर्स्ट टाइम एवर झूले में बैठा था, उसका पहला एक्सपीरियंस था झूले का, सो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। देखें कितने प्यार से वो झूला झूला रही है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मैं आपको आने वाले वक्त में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड कीप एवरीवन हैप्पी। बाय बाय।